सो सर एम आई ऑडिबल मैम। सर? अगर फिर अगर वो नेचुरल राइट एंड रॉन्ग दिखा रहा है तो फिर ट्रेनिंग करनी जरूर, सो देन वी आर ट्रेनिंग द डाउजर इन ए पर्टिकुलर वे, राइट? सो फिर क्या बेहतर होगा? सो इफ द अगर वो नेचुरली राइट एंड रॉन्ग दिखा रहा है वो, तो शुड वी लीव इट एट दैट पॉइंट? दोनों तरीके हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए। विदाउट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, विदाउट ट्रेनिंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं, विद ट्रेनिंग हम आगे पीछे और दाएं बाएं यूज कर रहे हैं, जो बेसिक डायरेक्शन होती हैं हम वो यूज कर रहे हैं। तो हम दोनों तरह से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, इन अ ट्रेंड मैनर, इन एन अनट्रेंड नेचुरल वे, दोनों तरह से यूज। सर नेचुरल वे से अगर ये रूप गया नहीं मिल रहा है तो सॉरी क्या नहीं होता है? मतलब एक जगह जैसे रखा है वैसे ही स्टेडी है, नहीं घूम रहा है, तो यस पे के लिए भी तो और उसमें नो से प्रॉब्लम भी? नहीं, प्रॉब्लम आप में है क्योंकि मेरा तो घूमता है, आपका भी घूमेगा। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है मैंने आपको बताई, उनमें से एक एक करके प्रॉब्लम को तोड़ना है। सर आई हैड वन और क्वेश्चन उनमें से सर सर एक कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? खत्म नहीं हुआ, उनमें से एक एक करके प्रॉब्लम को छोड़ना है। पहली प्रॉब्लम टूटेगी पानी पी के कोशिश करें, नहीं टूटती कल दोबारा पूछें, फिर कल दूसरे का आंसर दे दूंगा, वो नहीं टूटती तो फिर तीसरी बार पूछें, तो तीसरी प्रॉब्लम तोड़ेंगे, अल्टीमेटली ये काम करती है। प्लीज आइडेंटिफाई योर सर। आई एम भारती। या भारती जी सर, हाँ मैंने वो क्रिस्टल का पेंडेंट ऑर्डर किया था और मुझे मिला है, तो बट एज यू सेड दैट इट नीड्स क्लीनिंग अगेन एंड अगेन, सो शुड आई एक्सचेंज इट एंड बाय मेटल वन और इज दिस फाइन? नो, आई विल टीच यू हाउ टू क्लीन इट, डोंट वरी। ओके, दिस कोर्स ओनली यू गेट टू नो हाउ टू क्लीन इट, बट दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड। जैसे अभी उन्होंने मेरे से पूछा ना, मेरा नहीं हिलता है, अब नहीं हिल रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो एक एक वो चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। कल मैं आपको बताऊंगा पेंडुलम बनाना कैसे है, तो जब मैं आपको बताऊंगा तो वो दूसरे पेंडुलम से भी ट्राई कर लेंगे, पता लगा वो हिल रहा है और ये नहीं हिल रहा है तो पेंडुलम की प्रॉब्लम है। नहीं ये हिल तो रहा है। मेरे पास जो पेंडुलम है वो टाइगर आई का है, तो चलेगा क्या? जी 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 बहुत अच्छा पेंडुलम है आपके पास, बिल्कुल चलेगा, मैंने देखा आपका पेंडुलम इज गुड पेंडुलम, वंडरफुल। ये पेंडुलम चलेगा क्या? मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ बहुत अच्छा नहीं है ये पेंडुलम, बिकॉज इसकी पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं होता तो नॉर्मल आंसर तो देगा, बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे पेशेंट आता है ना कोई, अब किसी से मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन कई लोग वीकनेस महसूस कर रहे हैं, जैसे कोविड के बाद के सिम्टम है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, मैं कुछ पूछता नहीं हूँ। दीपक जी खासकर आपके लिए ये पॉइंट बड़ा हम दोनों का जरूरी है, मैं सिर्फ बंदे पे हाथ रखता हूँ, वो भी इसलिए कि उसको लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अब मैं हाथ भी ना रखूँ उस पे सर, तो वो सोचेगा पता नहीं कैसा वो बंदा है, आंखें बंद करके सब कुछ करता है, तो मैं उसका हाथ पे अपना हाथ रख लेता हूँ ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं मैच कर लूँ। पर अब ये मैं बगैर टच करे हुए भी कर सकता हूँ, बट शुरू में हम कहते हैं टच कर लो, टच करके मेरे पास एक 0 to 100 का सेमी सर्कल बना होता है। मैं अपना पेंडुलम चलाता हूँ कि इसका एनर्जी लेवल अभी कितना है, 15%। ओके, मतलब बंदा बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ के नहीं आ सकता मेरा घर, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ सकता, उसको दो बंदे लेके आए। हेलो, मैं अमिता बात कर रही हूँ। मत करिए बात मैडम, जब मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल बात मत करिए, रुक जाए, वेट। तो उसके बाद जब आप उसको ठीक कर देते हैं, जब मैं उसको ठीक कर देता हूँ तो मैं दोबारा नापता हूँ कि क्या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हुई, तो मुझे पता लगता है हाँ कि ये तो 80% चला गया। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब अब आपको अपने में जान लग रही होगी। हाँ सर लग रही है सर। आपको कैसे पता? अरे मेरे को पता है ना, क्योंकि मुझे डाउजिंग आती है इसलिए मुझे पता है, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे पूछा ना। तो इस कार्य के लिए जी, इस कार्य के लिए आपको ये पॉइंट पॉइंटेड एक चीज चाहिए होगी जो आपके पेंडुलम में नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी प्लीज पूछिए। एक बड़ी देर से डॉक्टर जी ने हाथ खड़ा किया। जी रीना जी शायद सुन नहीं रही, और कोई? एक मिनट आपसे ये अशोक जी। हाँ मेरा नाम अशोक है,
ये पूछना था अभी, हमने पेंडुलम को ये डाउजर को ट्रेन किया है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूवमेंट यस एंड नो, लेकिन उसकी नेचुरल मूवमेंट इज सर्कुलर क्लॉकवाइज यस एंड एंटी क्लॉकवाइज नो, तो इन इसकी नेचुरल मूवमेंट और हमारे ट्रेनिंग में कोई ऑपोजिट कोई क्लैश नहीं होगा? क्लैश कैसे होगा सर, एक ऊपर नीचे साइड बाय मूवमेंट है और दूसरा सर्कुलर मूवमेंट है, दोनों से आपने ट्रेन किया उसको अप एंड डाउन राइट लेफ्ट, लेकिन उसकी नेचुरल मूवमेंट इज सर एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो सर नेचुरल आई मीन नेचुरल आंसर जब वो देगा तो वो सर्कुलर मूवमेंट देगा वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब आप बोलोगे कि मेरी ट्रेनिंग के हिसाब से आंसर दे तो वो ऊपर नीचे हटाए बाय के हिसाब से आंसर देगा, पर आंसर अगर उसको हाँ बोलना है, अगर आपके पेंडुलम को हाँ बोलना है, आपको बताना है उसने हाँ, तो वो चाहे नेचुरल तरीका इस्तेमाल करके बताए चाहे आपका ट्रेन तरीका इस्तेमाल करके बताए, दोनों तरीकों के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, ना समझ बात ना विरोधाभास है। इसके जो नेगेटिव नेगेटिव आंसर इसका, द पेंडुलम इज मूविंग वेरी वेरी मच फास्टर देन द पॉजिटिव आंसर। जी वो मेरे को अभी किसी और ने भी क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यही जवाब दिया कि दिमाग को खाली करें, दोबारा से न्यूट्रल दिमाग से बैठें, ज्यादा जोर ना लगाएं, ये एक डेढ़ दिन के अंदर ये चीज ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो मैं आपको इंडिविजुअल टाइम दे दूंगा अभी क्लास के बाद, जैसे एक दो क्लासेस के बाद, तो मैं देख लूंगा क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता दूंगा इस वजह से आ रही है, अगर कोई दिमागी थॉट भी होगी तो ये भी बता दूंगा कि आपके दिमाग में क्या जिसके कारण ये ऐसा हो। सर एनी परमिशन हैज टू बी टेकन बिफोर द यूजिंग ऑफ द यूनिवर्स हैज ग्रांटेड यू द परमिशन टुडे सो यू प्लीज स्टार्ट। हमारे को आदत पड़ जाती है, हमारे को इंडिया में ओबीडियंस सिखाई जाती है, वी आर वेरी ओबीडियंट पीपल हम, और दूसरा ये हम आश्रित रहते हैं किसी ना किसी पर, वो मेरा ऐसे करेगा ना तो मेरा ऐसा होगा, तो नहीं, ये यू आर, ये भगवान ने ये दे दिया है, नॉलेज आपको मिल रही है जो थोड़ी बहुत ही चाहिए मेरे थ्रू, आप आज से शुरू करें सर, दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। रीना ठक्कर जी, धवनी जी, ऊपर आपके दोनों के बड़े देर से हाथ रेज हैं, अगर पूछना चाहें तो पूछें। सर ज्योति बोल रही हूँ, ज्योति जी इनमें से कौन सा बेटर होगा सर, मेरे पास दो पेंडुलम्स हैं। मैडम दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों ना क्रिस्टल्स फर्क है, एक आपका रोज क्वार्ट्ज का है और एक तकरीबन ये ग्रीन वाला है, हाँ ये ग्रीन रेकी हीलिंग में मिला था। हाँ जी वो तो ठीक है, पर मतलब कहने का ये कि रेकी में ना फर्क है, जैसे रेकी के अंदर जो हार्ट चक्र है उसके पास वो वाला यूज कर लीजिए पिंक वाला, है ना, और जो ग्रीन ग्रीन वाला है या तो वो मर्क्यूरी रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड चीजों के लिए, माइंड रिलेटेड चीजों के लिए या सर्कुलेशन रिलेटेड चीजों के लिए यहाँ पे यूज कर लें, सो यही मैं कह रहा हूँ कि तब फर्क होगा। जितने डाउजिंग मैं आपको यहाँ पे स्कॉट्स में सिखाऊंगा इसके अंदर आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके इससे फर्क पड़ता है कि ये पहले वाला यूज कर रही हैं आप रोज क्वार्ट्ज वाला या वो ग्रीन क्वार्ट्ज वाला यूज कर रही हैं, उसमें तब फर्क पड़ेगा, अभी नहीं। इसको ठीक है तो मेटल वाला खरीद लूंगी जो लिंक आपने भेजा है। नहीं नहीं ये भी अच्छे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, गुड वंस यू बिकम ए बेटर डाउजर। मैंने गिटार बजाना सीखा जब 2 साल हो गए तो मेरे दोस्त ने जिसके साथ बजाता था कहा कि प्रबल अब तेरा लेवल थोड़ा बढ़ गया यार, अब तू दूसरा खरीद ले, तो फिर मैंने दूसरा। ऐसे ही आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास जो है बहुत अच्छा है, जब आपको 6-7 महीने हो जाए इसके बाद बड़े सारे तरह के पेंडुलम्स आते हैं, जो उनसे आपका मन करे तब आप खर्चा करें अपने ऊपर। थैंक यू सर। मेरा बराबर है? हाँ जी अच्छे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि सिमेट्रिकल हो, दोनों तरफ उसकी बराबर हो, ये जो है इसकी राइट और लेफ्ट साइड बराबर हो, बेसिकली दूर से ये देखा जाता है राइट एंड लेफ्ट बराबर हो। कई ऐसे भी पेंडुलम्स हैं, जैसे मैंने अभी किसी को यूके भेजना था 10 दिन पहले कुछ पेंडुलम्स, तो वो वाले हमने लिए थे एंजल पेंडुलम्स, तो उसमें एंजल बना होता है, और जब मेरे पास वो डिलीवरी आई अमेजोन से तो एक तरफ गोडा उसका जो सॉरी शोल्डर था वो झुका हुआ था और एक तरफ शोल्डर ऊंचा था, सो इट वॉज एन इम्बेलेंस्ड पेंडुलम।
तो वी कुड नॉट हैव यूज दैट फॉर हीलिंग, आई हैड टू रिटर्न इट बैक, फिर मैंने दूसरा ऑर्डर करा जी। और कोई एक दो क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना हम आज का सेशन खत्म करेंगे। ये धवनी जी सर, इसको हमेशा पेपर के ऊपर ही करना होता है? नहीं ना, ड्राइंग है, अब डिपेंड करता है देखिए सिचुएशन क्या है। जैसे अभी आप ये सीख रहे हैं कि अभी हम ये सीखेंगे कि कोई भी चीज को टेबल पे बैठ के अकेले में कैसे करना है, लेकिन अब आप मेरे सामने हैं, जैसे आप सुजोग जानते हैं, तो सुजोग के अंदर अब कोई पेशेंट आपके पास आया तो चुप रहे अगर, पर आपको निकालना है उसको, दिक्कत कहाँ है तो कैसे निकालेंगे बताइए। सुजोग लेवल वन भी करा आपने, टू भी करा, थ्री भी करा, फोर भी करा, अब आप मुझे बताइए, पेशेंट चुप है, कहता है आप बताइए, यू आर दी एक्सपर्ट, यू टेल मी वेयर द प्रॉब्लम इज, तो हम पेशेंट पे डाउजिंग का यूज करते हुए बता देंगे कि प्रॉब्लम का, जैसे मेरे पास पेशेंट ना भी हो तो भी प्रॉब्लम कहाँ है, और ये आप भी बता पाएंगे इसी कोर्स के अंदर अंदर। इसलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों नहीं दिख रहे, एक दिख रहा है आपका, अगर आप ये हाँ वो जो छोटे वाला है ना वो छोड़ दीजिए, ये वाला ये मतलब मेरे से नहीं इस्तेमाल हो पाया, मैंने ट्राई करा था बट ये बहुत मूवमेंट कर देता है, तो हल्का सा भी अगर हवा होती है, इवन मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ, तो जब हम बोलते हैं ना तो कुछ कॉन्सोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लोसिव कॉन्सोनेंट, प्लोसिव का मतलब होता है एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब जिसमें ठा बम की तरह, जैसे इसको संस्कृत में बोलते हैं महाप्राण। देखिए चुप रहिए प्लीज, इसको बोलते हैं महाप्राण, जैसे प और थ, ट और ठ, ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए हाथ लीजिए चार इंच दूर अपने मुंह से अपना हाथ रखिए, अब पहले बोलिए ट, बोलिए ट, अब बोलिए ठ, 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 तो ठ में महाप्राण है, ठ में मोर एनर्जी बीइंग एग्जॉस्टेड एंड यू विल फील अ पंच ऑफ एयर ऑन द पाम। ये जो आपका डाउजर छोटे वाला आपने मुझे दिखाया था मैडम मनीषा, ये जब मैं ठ भी बोलूंगा मुंह से, थ, थ और ख, तीन प्लॉसेस बोलूंगा तो हिल जाएगा, और इसलिए अदरवाइज ठीक है, ये ठीक है जी। धमनी जी लास्ट पूछे फिर मैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर्वाइकल के और इसके बीच में क्या कनेक्शन है डाउजर के बीच में, जैसे सामने गंध पड़ा हो आंखें बंद कर लो तो गंध नहीं दिखेगा, बट इट इज नॉट सॉल्विंग द गंध, इट इज जस्ट गिविंग यू द कन्वीनियंस ऑफ रिमेनिंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड दैट नथिंग बैड एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, पर ऐसा तो नहीं आंखें खोलेंगे तो गंध है, तो पट्टा सोल्यूशन नहीं है। गर्दन में अनकंफर्टेबिलिटी जिस दिन होती है उस दिन ये चीज सही रिस्पॉन्स नहीं देती, ऐसा क्यों होता है लार्जली मैं नहीं कह सकता, बट मैं इस पे शोध कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा सोचना है कि जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां जो हमारे को कंट्रोल करती हैं, जब नर्वस सिस्टम को आगे पढ़ा जाता है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के अंदर तो चक्रों पे पहुंचते हैं, चक्रों को भी जब आगे पढ़ा जाता है कि चक्र जो है किससे कंट्रोल्ड है, प्राणिक हीलिंग में जब आप जाते हैं तो उसमें इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, अब वो कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही वो शिव योग में पता लग जाता है, इस टाइम मेरी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है कि लेफ्ट, राइट में पांचों एलिमेंट्स चलते हैं लेफ्ट में पांचों एलिमेंट्स चलते हैं, तो बड़ी चीजें हैं उसके अंदर, बट वो अभी सारी रिसर्च स्टेज पे है, मैं ये नहीं कह सकता 100% कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा देखने में आया है, और जब हमने वो ठीक करा वो सर्वाइकल तो वो व्यक्ति के आंसर ठीक आने शुरू हो गए, इसलिए मैंने आज ही इसलिए बताया क्योंकि आप अकेले हैं, अभी क्लास खत्म तो आप अकेली हो जाएंगी, जब आप अकेली अकेली नहीं आप लोग जो हम लोग जो डाउजिंग में इकट्ठे जुड़ रहे हैं ये आप लोग हम लोग आपके साथ नहीं होंगे, और जब हम लोग नहीं होंगे तो आपको कोई करंट कि हाँ मुझे करना है वो नहीं लगेगा, एक बार आप करके देखेंगी, होता है तो ठीक है, नहीं होता छोड़ यार कल से नहीं जाना,
तो मेरे इसलिए तो मैंने आज यहाँ पे आपसे मिला नहीं कि मैं आप लोगों को कहूँ कि नहीं आप मत करिए, मैं तो इसलिए मिला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बहुत अच्छी विद्या को सीख लें, बहुत आसान है। जो नहीं कर पाए वो मुझसे जुड़े रहे, हम एक एक करके सारी चीजों को फिगर आउट कर लेंगे, आपसे ये होगा, जरूर होगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, बताइए। थैंक यू सर। सर अगर हमें कोई पर्सनल चीज के लिए पूछना हो तो, और हम खुद ही पूछ सकते हैं, किसी और को नहीं आता जिन्हें हम जानते हैं, तो फिर कैसे पूछना? नहीं पूछते हैं, अब मैं भी अपने बारे में पूछता हूँ जब कभी जरूरत होती है, कोई चीज खो जाती है, कोई व्यक्ति आ रहा है, काफी चीजें पूछते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर व्हेन इट इज, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी का निर्णय लेना हो उस वक्त किसी सलाहकार से सलाह लेनी अपने बारे में अच्छी रहती है, और खासकर शुरू में पता ही नहीं चलता कब गलत रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इसलिए मैं कुछ प्रिकॉशंस भी अपने इसी कोर्स के दौरान आपको सिखा दूंगा ताकि आप उस चीज को फटाफट से भांप लेंगे, पता लगेगा आज मुझे ठीक आंसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। दिशा की और आज का होमवर्क दे रखा था कि प्लीज जरूर अपने अपने पेंडुलम से कि क्या आज वेंसडे है, क्या आज थर्सडे है। Can the same technique of yes or no be used when you are using the pendulum for chakra scanning? Okay, can be. Can be, but what is better? Talk to you on health charging. ये मैंने बताया था दूसरे तीसरे चौथे दिन जब हम extensive चर्चा होगी ना उस वक्त मैं आपको इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल पाऊंगा कि मैं कैसे यूज करता हूँ चक्रों के लिए, और करा जा सकता है बिल्कुल, पर कैसे करें उसके कुछ बेटर तरीके उपलब्ध हैं, तो यस नो को कैसे नापते हैं चक्र के अंदर मैं आप जरूर साझा करूंगा आने वाली क्लास में। तो आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े रहे, कल मैं फिर दोबारा आपसे मिलने आऊंगा 5:30 बजे, मेरे साथ जरूर जुड़े। Thank you, sir.